ये 500 रुपए की है। नहीं मैम ऐसे नहीं होता, मुझे अपने सर से पूछना ही पड़ेगा। अरे आपके सर ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसलिए मुझे पता है। आप उनसे कहिएगा कि श्रुति आई थी, वो पहचान जाएंगे। भैया ये काम दिखाना है। ये अच्छा लग रहा है, इसे दे दीजिए। कितने का है ये? मैम एक्चुअली इस पे प्राइस टैग नहीं लगा हुआ, मुझे अपने सर से कॉल करके पूछना पड़ेगा। अरे मुझे पता है ना, मुझे याद आया कि 500 रुपए की है। नहीं मैम ऐसे नहीं होता, मुझे अपने सर से पूछना ही पड़ेगा। अरे आपके सर ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसलिए मुझे पता है। आप उनसे कहिएगा कि श्रुति आई थी, वो पहचान जाएंगे। अच्छा आप सर की फ्रेंड है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले जाइए। मोहित कोई सेल हुई थी? जी सर आपकी फ्रेंड आई थी, टॉप ले गई है, श्रुति नाम था। श्रुति कितने का ले गई? 500 सर। मोहित वो तुम्हारा पागल बनाकर चली गई, वो 1500 का टॉप था जो 500 रुपए में लेकर चली गई। और यार वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। सॉरी सर मेरे से गलती हुई, मुझे लगा वो आपकी फ्रेंड है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ये गलती मत करना। जी सर अपना काम करो। मोहित ये पर्स किसका है? सर ये पर्स तो उसी लड़की का है। चलो वो अपना पर्स लेने वापस जरूर आएगी। तुम अपना काम करो, मैं देखता हूँ। वो जो मैं आपसे टॉप लेकर गई थी वो कितने का था? 1500। अच्छा ये रहे बाकी के 1000 रुपए। अब आप ये पैसे वापस क्यों कर रहे हो? मैंने आपके साथ गलत किया ना, इसलिए मेरे साथ भी गलत हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। मैडम फिक्र मत कीजिए, आपका पर्स चोरी नहीं हुआ है, ये रहा आपका पर्स, आप यही भूल गए। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए, बस अगली बार ऐसा मत करना, क्योंकि आपको पता है शायद आपके लिए कुछ पैसे बचाने का तरीका था, लेकिन इससे इस इंसान का विश्वास टूट गया। अगर अगली बार कोई मेरा नाम लेके या असल में मेरा कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, तो ये उसका विश्वास नहीं करेगा। आपने इस इंसान का विश्वास तोड़ दिया। और मैडम मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं था, मैं 1000 रुपये का लॉस बियर कर सकता था और मैं रिकवर भी कर सकता था, लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ा लॉस था। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो शायद इसकी सैलरी काट लेता या फिर इसको जॉब से ही निकाल देता। इसके लिए वो 1000 रुपये बहुत ज़रूरी थे मैडम, और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। ये गरीब आदमी अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाता है। मेरे साथ आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इन गरीबों के साथ ऐसा मत करना। जी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, अगली बार बस ध्यान रखना इस चीज़ का।